हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 5 है जिसे हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 5.4 के रिमेनिंग सम। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास मैंने आपको इंटीग्रेशन की कुछ फॉर्मूलेस दिए थे। इसके पहले हमने फर्स्ट टू सेवन सॉरी एट तक सॉरी सेवन तक हमने सारे सम्स किए थे, ये विदाउट रूट वाले थे। आज हम जा रहे हैं रूट वाले सम्स की तरफ। कुछ भी नया नहीं है, जैसा पहले कर रहे थे अभी भी सेम वैसा ही है, अप्रोच सेम रहेगा, खाली फॉर्मूला अप्लाई करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x² प्लस 8 dx, एवरीथिंग विल बी सेम, स्टेप्स सेम। एक्स स्क्वायर के पास जाने का, पूछने का, भाई साहब आपके पास क्या है, क्या है, 3 से डिवाइड और 3 को बाहर करेंगे, तो बाहर करेंगे तो 1 upon 3 upon root 3 upon root of x square plus 8 upon 3। समझा जी? अरे समझा सर, रूट 3 कैसे बाहर आया? अरे 3 रूट के अंदर ही है ना, तो पूरा रूट के साथ बाहर आएगा। रूट के अंदर ही है ना बेटा, वो बराबर है। समझा यहां तक? स्टेप नंबर 2x, सब तुलंडा x तो है ही नहीं इसकी, बराबर है। तो सीधा 8/3 को थोड़ा सा रूट के फॉर्म में लेके आ जाते, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 upon root 3 इंटीग्रेशन 1 upon under root of x square plus 8, यानी के 4 root 2 4, हाँ 2 root 2 upon 3 dx कर सकता हूं। 8 का रूट निकाला ना मैंने, 4 2 8, अरे बराबर, ये समझा। अब इसको मैं √3 the whole square कर दूं तो क्या बन जाएगा, चेक करो, 8 upon 3 बन जाएगा। अरे समझा, 2 का square 4, √2 का square 2, 4 2 8 हो गया, √3 into √3 3 हो जाएगा। समझा क्या हुआ? हर बार ऐसे ही करना है हमको, बराबर है, क्लियर। x है, a है, प्लस है, आंसर log ही आने वाला है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 1 upon √3 log of x, x तो x ही है, प्लस सेम क्वेश्चन सोचने का भी नहीं, x square plus 2 root 2 upon 3 the whole square प्लस c, बराबर है। अरे समझा, डन विद द सम। अरे समझा क्या? इधर क्वेश्चन ही अपना आंसर बन जाने वाला है, क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते और एक सम की तरफ, देखते क्या है। भाई बड़ा लग रहा है ये एक्स वाला टर्म है। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन 1 upon under root of x square plus 4x plus 29 dx। What is your step number 1? X square के पास जाने का, भाई साहब आपके पास क्या है? सिंगल है, कोई नहीं है, ठीक है भाई, माफ किया। X के पास जाएंगे, भाई साहब वो राहुल 4 है तो हाफ, 4 का हाफ, क्यों? क्योंकि X ही काटता है बेटा, आधा, कितना 2 हो गया, 2 का स्क्वायर करने का कितना आएगा 4, एक बार प्लस एक बार माइनस, वेरी गुड। इंटीग्रेशन 1 upon under root of x square plus 4x plus 4 minus 4 plus 29 dx, समझा? क्या बात है, समझने वाला ब्रैकेट, वेरी गुड। इंटीग्रेशन 1 upon under root of x square के लिए x, प्लस के लिए प्लस, 2 the whole square, हां जी, 29 में से 4 जाएगा तो प्लस 25, अरे बराबर। इंटीग्रेशन 1 upon under root of x plus 2 the whole square plus 5 the whole square, फॉर्मूला आ गया। चलिए आंसर आएगा log of x, x का वैल्यू क्या है जी, ये x है ना, प्लस क्वेश्चन लिख लो, यानी कि x plus 2
द होल स्क्वायर प्लस 5 द होल स्क्वायर। मजा आ रहा है, समझा? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद और एक सम देखते हैं। ये तो ऊपर वाले जैसा ही दिख रहा है, सेम 8, ये 5 प्लस था, ये माइनस, और क्या ही दिया है, सेम है। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर है, यही है। x स्क्वायर के पास जाएंगे भाई साहब, क्या है 3 से डिवाइड और 3 को बाहर कर लेंगे, 1 अपॉन इंटीग्रेशन फाइव। किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं, तो इधर रूट ही आ जाएगा सबके लिए, 1 अपॉन रूट 3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 5/3 द होल स्क्वायर डीएक्स। अलग अलग रूट देना है तो भी चलेगा, रूट 5 रूट 3 वन इन द सेम, सबको नहीं नहीं ये उम्र में होते रहता है, इट्स नॉर्मल। तो 1 अपॉन रूट 3 log of x plus x square minus root 5 root 3 whole square। अरे समझा? ठीक है अभी समझा, सोपा वाटता है। चलिए बढ़ेंगे लास्ट सम फॉर द डे, देखते क्या दिया है भाई। x square minus 8x minus 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस, पहला स्टेप कुछ है क्या? सिंगल है बेचारा, कोई रहेगा नहीं। x के पास जाएंगे तो x अपना काटने वाला है भाई, आधा 8 का आधा 4, 4 का स्क्वायर 16, एक बार प्लस और एक बार माइनस, क्या बात है। इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस सॉरी प्लस 16 माइनस 16 dx बराबर है। इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x है तो x, माइनस है तो माइनस 4 द होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का आएगा, समझने वाला ब्रैकेट था ना यहाँ पे, अरे समझा। चलिए इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 4 द होल स्क्वायर, एक मिनट ना, 4 अच्छे से लिखो नहीं तो फिर प्रॉब्लम, माइनस 6 द होल स्क्वायर dx, समझा? आंसर आ जाएगा log x माइनस 4 प्लस, क्वेश्चन लिख दो, x माइनस 4 द होल स्क्वायर। समझ में आ गया पक्का? तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।